लाला राजपत राय स्मारक पुस्तकालय मिर्जापुर के नारघाट पर स्थित है और बहुत ही कम लोगों को शायद जानकारी होगी कि इतना विशाल पुस्तक का संग्रहालय अपने जनपद मिर्जापुर में है और इस आधुनिक युग में भी लोग पुस्तक के कितने प्रेमी हैं, क्योंकि जो जानते हैं, जो विद्वान हैं, उनके मुताबिक यदि किसी ने पुस्तक का अध्ययन नहीं किया तो वो कभी सच्चे दोस्त की प्राप्ति नहीं कर सकता। यहाँ पर इस पुस्तकालय में कौन सी पुस्तक किसको चाहिए, किस विषय से संबंधित पुस्तक चाहिए, सबका कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से वर्गीकृत करके रखा गया है और आवश्यक पुस्तक की प्राप्ति बटन दबाते ही हो सकती है। देखिए, संस्कृत जो कि अति प्राचीन भाषा है, यहाँ भी उसका विशाल संग्रह आपको देखने को मिलेगा। ये अलमारी पूरा संस्कृत के किताबों से भरा पड़ा हुआ है। यदि आप बंगाली भाषा में पुस्तक का चयन कर रहे हैं या खोज कर रहे हैं तो यहाँ अवश्य आइए, यहाँ भी विशाल संग्रह आपको मिलेगा। देखिए, इस जमाने में भी पुस्तकों का कितना महत्व है आप देखिए, और शायद इस जमाने में नहीं, हमेशा हर दौर में पुस्तकों का महत्व रहा है। और बिना पुस्तक के न कोई शिक्षक, न कोई छात्र और न ही कोई सामाजिक व्यक्ति रह सकता है। अध्ययन करने के लिए बहुत ही शांत वातावरण और परिवेश का बहुत महत्व होता है, और शायद यहाँ पर जब आप बैठेंगे तो इस लाइब्रेरी में बैठने की उत्तम व्यवस्था भी की गई है। पूरे बेहतर माहौल में आप यहाँ से पुस्तक को लेकर प्राप्त करके और मन चाहा किताबों के साथ सुनहरा पल व्यतीत कर सकते हैं। जिस तरफ नज़र घुमाइए उस तरफ पुस्तकों का विशाल संग्रह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ इस सुंदर वातावरण के निर्माण के पीछे जिन महापुरुषों की योगदान रही है उसको भी यहाँ के व्यवस्थापकों ने उचित स्थान दिया है। आप देखिए कि आप और आपके घर के तमाम जो पुराने लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, सबको जानते होंगे, और आपको भी जानना चाहिए कि आखिर इस विशाल पुस्तकालय में जिन लोगों का चित्र सुरक्षित किया गया है, कहीं ना कहीं योगदान है, इस पुस्तकालय में योगदान है या पूरे देश में महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आपको अपने तनाव को भी कम करना है तो डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं, तमाम मनोचिकित्सकों की भी यही सलाह होती है कि आप अपने जीवन काल में कुछ पल इन पुस्तकों के साथ अवश्य बिताएं। इससे आपके प्रतिभा में भी चार चांद लग जाता है। देखिए, ये तमाम पुस्तकें हैं। तो देखिए, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जनपद मिर्जापुर का यदि कोई भी युवा है, छात्र है, तो उसको मिर्जापुर के नारघाट स्थित इस शहीद उद्यान में अवश्य आना चाहिए। और आपका देश और आप कैसे आज़ाद हुए, आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था किसके दम पे मिली है, किस शहीदों ने, किस जवानों ने और किस जो है अपने कार्यशैली की क्षमता पर लोहा मनवाने वाले अंग्रेजों को पूरे देश से भगाने पर जो मजबूर किया, यहाँ आके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और लाला राजपत राय जो स्मारक है, पुस्तकालय है, उसमें आके उन दिनों से संबंधित पुस्तकों का भी अवलोकन कर सकते हैं। कम से कम वो छात्र जो अध्ययन रत्न हैं, जो तमाम प्रतियोगिता या प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनको जरूर यहाँ आके अपने ज्ञान में वर्धन करना चाहिए। मिर्जापुर से वीरेंद्र गुप्ता। मिर्जापुर के हम अपने तमाम साथियों को बताना चाहेंगे कि जब भी वो इस लाइब्रेरी में आए तो बगल में सटे हुए शहीद उद्यान का भी अवलोकन अवश्य करें। शहीद उद्यान में आपको एक से एक वीर गाथा दीवालों पर अंकित मिलेगी। बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि विनय बोस को शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन जब विनय बोस अपने दो साथियों
के साथ मिलकर क्रांति पैदा की तो अंग्रेजों को हार माननी पड़ी। दरअसल हुआ ये कि शोषण क्रांति को जन्म देता है, ये बात शायद हर बंदा जानता है जो भी जमीनी हकीकत को प्रेम करता हो। दरअसल विनय बोस अपने साथी सुधीर गुप्ता और दिनेश गुप्ता के साथ पुलिस इंस्पेक्टर जनरल लोमेन को गोलियों का शिकार बनाया था और पुलिस अधीक्षक हेडसन को घायल करके साफ साफ बच निकले थे। बताना आवश्यक होगा कि इन्हीं तीनों ने सरकारी गढ़ राइटर्स बिल्डिंग में 8:12:30 को हमला करके वहां तहलका मचा दिया था और आईजी जेल सिंपसन की उसके दफ्तर में हत्या कर दी थी और दोनों तरफ से गोलियों की बौछार से समूचा बिल्डिंग गूंज उठा था। श्री सुधीर गुप्ता घायल होने पर साइनाइड खाकर तिरंगा लिए हुए बंदे मातरम कहते हुए शहीद हो गए थे और उनके साथी श्री दिनेश गुप्ता के गले में गोली लगी और उपचार से उनको बचाकर अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। तो वहीं पर श्री विनय के सिर से खून का फवारा बह रहा था, उपचार हेतु उनको बांधी गई पट्टी को हटा दिया और मातृभूमि का लाडला विनय बोस दिनांक 23 दिसंबर 1930 को बंदे मातरम कहते हुए निछावर हो गया था। तो ऐसे तमाम अमर शहीदों की गाथा आपको इस समूचे दीवालों पर मिलेंगी जो आपको गौरवान्वित कर सकती है। लाला राजपत राय जी को भी आप जरूर उनका दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करें कि आप उस धरती के हैं जहां ऐसे वीर सपूत का जन्म हुआ था।